मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से सपा कांग्रेस गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा ने जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से उनके कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने कहा कि मुरादाबाद में उनका और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए बड़े पैमाने पर उत्पीड़न किया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 17 अप्रैल को आयोजित की जा रही जनसभा की अनुमति के लिए उन्हें बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत जिलाधिकारी से की गई तो उन्होंने तहसीलदार से इसकी रिपोर्ट मांगी, तब कहीं जाकर राजकीय इंटर कॉलेज भोजपुर के मैदान में जनसभा की अनुमति मिली। पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने आगे क्या कहा, ये सुनते हैं। देखिए, हम लोग पहले तो अभी एसपी साहब से मिले, हमारे जो लोग जो चुनाव में मतलब चुनाव लड़ा रहे हैं उनको भयभीत करने के लिए उनके ऊपर झूठे मुकदमे लिखे गए हैं। हमारे एक जो जिनके की फादर भी 2 बार विधायक रह चुके, उनके भाई भी विधायक रह चुके, वो खुद भी जिला पंचायत के मेंबर हैं, उन पर आज तक शायद कभी कोई मुकदमा नहीं लिखा गया, लेकिन परसों उनके ऊपर एक 307 का मुकदमा झूठा लिखा गया है। और जो घटना का समय बताया गया है उस वक्त वो घटना स्थल पे न होके वो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की मीटिंग होने वाली थी वो वहाँ बैठे हुए हैं, और जहाँ की घटना दिखाई है वहाँ से 1.5 घंटे की दूरी है, और घटना के समय पे वो किसी भी तरह से मतलब हम मौजूद नहीं थे, वो उनके कार्यक्रम में बैठे हुए हैं। हमारे पास सब वीडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि भाई जब प्रोग्राम चल रहा है तो भाई सब जगह वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, फोटो खींचते ही हैं। तो वो वहाँ मतलब उन पर कहने का मकसद ये है कि 100% उन पर झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। एक हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं उनके ऊपर मुकदमा लिखवाया गया है, पूरी तैयारी है। और अभी हम मुझे आशंका है कि वोट डलने तक नामालूम कितने मेरे कार्यकर्ताओं पे मुकदमे लिखवाए जाएंगे चुनाव को प्रभावित करने के लिए। डीएम साहब से मैं मिली, पहले हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 तारीख में मौसम ख़राब होने की वजह से प्रोग्राम में नहीं पहुंच पाए थे, तो हमने दोबारा उस जगह की जो कि जीआईसी है यहाँ थाना मुगलपुरा में, जो वहाँ हमने जीआईसी की राजकीय विद्यालय इंटर कॉलेज की वो डाली परमिशन, वहाँ हमें नहीं दी गई। फिर जब यहाँ नहीं दी, मुरादाबाद में नहीं दी, तो फिर हमने सोचा कि लोकसभा के किसी और दूसरी जगह करा लेते हैं। फिर हमने भोजपुर जो राजकीय विद्यालय है उस विद्यालय की कृषि भूमि है जो कि उससे खासी दूर है, 500 मीटर दूर या लगभग इतनी दूर है कृषि भूमि, फिर हमने वहाँ की प्रधानाचार्य ने पहले NOC दे दी, DIOS ने, SDM ने, सब ने कंसेंट दे दी, सारी हमारे ट्रक्स टेंट और सब सामान लेके कुर्सियां लेके हमारी गाड़ियां वहाँ मौके पर पहुँच गईं। और रात को 9 बजे हमारे जो पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं जयवीर यादव जी, उनके मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लेटर आ गया कि आपकी परमिशन निरस्त हो गई। मैंने DM साहब को फ़ोन किया कि भाई हमारा सामान पहुँच गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम जारी हो गया, और भाई ये इस तरह से मतलब आखिरी मिनट पे हमारी रैली को, आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं उसको कैंसिल आपने कर दिया, तो भाई क्या किस बुनियाद पे किया है? तो उन्होंने कहा कि वो स्कूल है और वहाँ बूथ बनने हैं। मैंने कहा जी ये तो स्कूल का कैंपस ही नहीं है, तो स्कूल की कृषि भूमि है। अब उन्होंने इस संबंध में हम उनसे मिले कि भाई हमारे साथ जाति ना हो, हमारे लोगों को भयभीत ना किया जाए, हमें कोई भी कार्यक्रम करने में परेशान ना किया जाए, क्योंकि हम कई दिनों से लगातार परेशानियों से जूझ रहे हैं। जो ये अधिकारी हैं हमें मीटिंग करने में हर जगह बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। अब DM साहब ने आश्वासन अब दिया है कि भाई हम चलिए देखते हैं और अनुमति कराते हैं। आप समझते हैं कि 24 घंटे का भी समय अब नहीं बचा है, तो जिससे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मीटिंग ना हो सके, आप समझते हैं टेंट का लगना सब होना, वहाँ सब लोगों को सूचित करना 24 घंटे में चुनाव के आखिरी वक्त पे,
तो हम ये आप लोगों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारे प्रोग्राम में बाधा डाली जा रही है बराबर, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित न कर सकें, हमारे और शीर्षस्थ नेता लोगों से अपनी बात न रख सकें, उनमें उल्लास और मतलब जो जोश न भर सकें, ये पूरी चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये तैयारी है। आप खुद मुझे बताएं कि 24 घंटे का भी समय नहीं है और अभी तक हमारे हाथ में कोई परमिशन नहीं है। अब देखिए बाकी ऊपर वाला मालिक है, आप भी समझते हैं, हम भी अपने कार्यकर्ता, अगर मिल जाएगी परमिशन तो भाई अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके आपको बताएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह से जब सिटी चैनल संवाददाता ने बात की तो उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव की जनसभा की अनुमति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सपा प्रत्याशी को अनुमति को लेकर कुछ कंफ्यूजन थी, इसे दूर कर दिया गया है। आगे उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। देखिए उनको कुछ कंफ्यूजन था, जहाँ पर वो परमिशन चाहती थी मुझे बताया गया था कि वो स्कूल कॉलेज प्रांगण में परमिशन चाहती थी, लेकिन वहाँ पर चूंकि 10 बूथ बनने हैं इसलिए वहाँ पर परमिशन दिया जाना संभव नहीं था। इसी क्रम में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति में वहाँ की प्रिंसिपल द्वारा लिख के दे दिया गया कि यहाँ पर परमिशन दिया जाना संभव नहीं है, चूँकि यहाँ पर पोलिंग सेंटर है, लेकिन बाद में ये क्लियर हुआ कि वो उस प्रमाइसिस में नहीं करना चाहती हैं, बल्कि उसे लगी हुई एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पर वो परमिशन लेना चाहती हैं। तो फिर मैंने सुबह नए तहसीलदार को भेज कर उसका मैंने जांच करवाई तो पाया गया कि वो बिल्डिंग से करीब 200 मीटर दूर वहाँ पर जनसभा की जा सकती है। तो मैंने सशर्त उनको आज परमिशन दे दी है कि जो भी कार्यक्रम करेंगे बिल्डिंग से 200 मीटर की दूरी पर अपना करेंगे, और खुला उखली हुई जगह है वहाँ पर परमिशन दे दी है। कार्यकर्ताओं के उत्पीड़न से संबंधित भी कुछ शिकायत उनके द्वारा की गई? कोई उससे कोई ऐसी बात नहीं है, बस केवल इसी जो परमिशन नहीं मिल रही थी उसी संबंध में मैं उनसे बात करने आई थी, उनके आने से पहले ही हम उसको डिसाइड कर चुके थे। इस दौरान रुचि वीरा के साथ विधायक कांठ कमाल अख्तर, विधायक बिलारी मोहम्मद फहीम इरफान के अलावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष राजेश यादव सहित अनेक सपा और कांग्रेस नेता मौजूद रहे।